हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज माता कात्यायनी का व्रत है और यहाँ पर देखो बगलों में पेंटिंग चल रही है। इधर मत देखो, उधर देखो, नहीं नीचे लग जाएगा फिर। देखना वहाँ मुर्गे, वहाँ देखना क्या लगा, मुर्गे चिल्ला रहे, देखो तो अंदर का उस साइड था, आ सकता है। कहाँ गया पता ही नहीं चला। आ सकता है, कोई पता नहीं। कमरे में तो कोई बॉबी ना है, द्वार पर चढ़ा सीधा इधर आया। हेलो गाइस, तो मैं आज कर रही हूँ दोनों पर पेंट, और ये ऑरेंज कलर का कलर है, ये जिसमें लग रहा है ऑरेंज कलर काफी खिल रहा है इस गमले पर। उस पौधे का मुझे नाम तो नहीं पता, पानी मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा मिला, मेरे वैसे मत मिलाओ क्योंकि बहुत गाढ़ा है वो। मैं दो के ला रही हूँ, बन गया ये, तो पानी रहा लग रहा है, अच्छा पानी मिल जाता है इसमें। हाँ पानी तो मिलाते हैं, पानी ज्यादा मिल जाता है तो पतला हो जाता है। हाँ वही वही तो पतला दिख। गमलों के केयर के लिए बहुत टाइम चाहिए, पानी दो, कटिंग करो, फिर पेंट करना, फिर साफ सफाई, पत्ती की कटिंग भी होती है, फिर तरफ पेंटिंग चल रही है गमलों की। जितने गमले हो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनी रहती है। हाँ शाम के समय बैठते हैं ना पौधों के पास में, तो हवा जो आती है इतनी फ्रेश आती है, कभी देखना। देखो यहाँ पर भी तीन गमलों में पेंट हो गया है। वैसे मिट्टी के गमले हैं ये, और इनमें जो कलर हुआ है वो रेड कलर हुआ है। अभी इन्हें सूखने में टाइम लगेगा क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए, वैसे भी अभी ये 2-3 घंटे में सूख जाएंगे। और इस गमले में कलर हुआ है आसमानी, इनमें रेड हुआ है। अभी तो कंटिन्यू यहाँ पर पेंट चलेगा। ये गमले यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे गमले हैं, कुछ मिट्टी गमले यहाँ पर, कुछ सीमेंट के हैं और कुछ हैं प्लास्टिक गमले। पौधों की बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है, इन पर पेंट होता है, कटिंग, सुबह शाम पानी देना पड़ता है इनको। सो फाइनली यहाँ पर पेंट टोटली गमलों पर हो गया है। यहाँ रेड पेंट क्या है, इस पर भी रेड पेंट है, और इस पर कलर है ग्रीन, इस पर ऑरेंज, और इस पर क्या है ग्रीन, इस पर ऑरेंज, इस पर रेड, ये टोटली गमलों पर पेंट हो गया। और ये ऑरेंज कलर का पेंट किया यहाँ पर, आपने बनवा लिए कपड़े उपड़े, और इस पर कितना की साड़ी के लिए, और इस कपड़े, और इस पर हुआ पेंट पेड़ पर ऑरेंज कलर का।